हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का हिंदी लेसन नंबर 12, बचत। देखिए, बचत का मीनिंग होता है सेविंग करना या फिर बचाना। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ों को बचाना है, देखिए, अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। तो हमें कौन सी चीज़ें बचानी है? अन्न मीन्स हमारा खाना या फिर अनाज जो हम लोग खाते हैं उसे हमें बचाना है। जंगल मीन्स जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हमें बचाना है। बिजली मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में होती है उसे बचाना है। और उसके बाद पानी है। ये पानी तो कितना महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। पानी के बिना तो एक भी हमारा काम भी नहीं होगा और हम लोग तो ज़िंदा भी नहीं रह सकते। इसके लिए तो ये जो सारी चीज़ें दिए हैं इनको हमें क्या करना है, बचाना है, सेव करके रखना है। पैसों की बचत करो, जीवन को अभय सजाना। उसी के साथ साथ देखो, पैसे जो होते हैं ना, ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इनके बिना तो हम लोग जी ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो खाना खरीदना होता है वो हम कहाँ से लाएंगे, कपड़े होते हैं या फिर बाकी की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन्हें खरीदने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। तो पैसों की ऐसे बचत करेंगे या फिर उनका यूज़ ऐसे करेंगे कि जीवन भर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर पा सकते हैं, या फिर हमारा जो लाइफ में जो भी हम लोग काम करना चाहते हैं जिसके लिए पैसा लगेगा उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बचत करने के लिए क्या क्या कहा गया है। अन्न, अनाज, जो खाना हम लोग खाते हैं। देखिए, हमारे देश में अगर हम देखेंगे ना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दो टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिलता है। तो अगर हमें खाना मिलता है तो हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना है। हमें क्या करना चाहिए कि जितना आपको लगता है उतना ही आप अपने थाली में ले सकते हो, उतना ही आप खा सकते हो, और थोड़ा सा अगर बचता भी है खाना तो उसे दूसरे टाइम में आप गर्म करके खा सकते हो। तो इससे आपका खाना बच जाएगा। जंगल क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर पेड़ पौधे रहेंगे तभी तो बारिश होती है, पेड़ पौधे होंगे तभी तो जो बाकी के पशु पक्षी हैं वो भी जंगल में रह सकते हैं। तो इसके लिए जंगल भी ज़रूरी होता है। और पेड़ पौधों से क्या होता है, देखिए, कई सारी चीज़ें हमें मिलती है, जैसे कि जो हवा जो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, उस समय हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। और पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? तो जंगल में। तो इसीलिए जंगल को भी हमें क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, मीन्स पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। नेक्स्ट है बिजली, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे घर के मोस्टली सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती है वो किसके ऊपर चलती है? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और पहले के ज़माने जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हम लोग डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट पानी, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बिना तो ज़िंदा रहना मीन्स पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। हमें पीने के लिए चाहिए, पशु पक्षी होते हैं उनके लिए चाहिए, पेड़ पौधों के लिए चाहिए, हमारी जो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं उसके लिए चाहिए। तो इसके लिए इन सबको बचाना ज़रूरी है। उसके बाद आती है पैसों की बारी, तो वो भी हमने देख लिया है। तो यहाँ पे देखिए, आपको पिक्चर दिया है। फर्स्ट है अन्न, मीन्स जो खाना हम लोग खाते हैं, तो हमें जितना ज़रूरी है उतना ही अगर हम प्लेट में लेंगे तो खाना जो है वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है पानी, ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, पानी दे रहा है पौधों को, तो पौधों को पानी भी इसी तरीके से देंगे कि वहाँ पे पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है पैसा, पैसा आप बचा के रख सकते हो। आपके पास अगर पैसा आता है तो आपकी जो ज़रूरी चीज़ें होती है रोज़ के लिए या फिर अगर इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है कागज़ और पेंसिल, मीन्स पेपर और पेंसिल जो होते हैं। अगर आप स्कूल में जाते हो, आपके स्कूल में अगर आप लोग पेंसिल से लिखते हो या फिर जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको अगर लिखना है तो पेंसिल से लिख सकते हो आप, तो उससे क्या होगा कि पेंसिल से आप मिटा सकते हो और फिर से उस पेज को आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आपके कुछ जो बुक्स होती है, वो नोटबुक जो होती है उनके पेजेस खाली होते हैं, तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट ईयर दूसरा बुक ले लेते हो और फिर वो पहला वाला जो उसके पेजेस खाली ही वेस्ट हो जाते हैं। तो उनको आप अपने अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर उन बुक्स को, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो एम्प्टी पेजेस होते हैं जिनके ऊपर आपने नहीं लिखा है उनको कलेक्ट कीजिए, साथ में बाइंड कीजिए और उसके बाद आप अलग बुक बना सकते हो। तो इस तरीके से कागज़ जो है वो बच जाएगा, क्योंकि कागज़ बनते हैं पेड़ों से। अगर हम कागज़ को वेस्ट करेंगे मीन्स क्या करें, हम पेड़ों को भी वेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए कागज़ को हमें क्या करना चाहिए हमारे लिए, अगर हम यूज़ करते हैं तो उसे वेस्ट नहीं होने देंगे, ये देखना चाहिए। नेक्स्ट है बिजली। अभी बिजली को कैसे वेस्ट करते हैं हम लोग? अगर हम रूम में बैठे हुए पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे लाइट चालू है, फ़ैन चालू है, लेकिन घर के बाहर या फिर रूम के बाहर आप जब जाते हो तो बंद नहीं करते हो, ना फ़ैन बंद करते हो, ना आप लाइट बंद करते हो। तो उसके कारण क्या होता है कि
हमारी जो बिजली होती है वो वेस्ट जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बचत कैसे करोगे बिजली की, आपके अगर आप रूम के बाहर जा रहे हो तो फ़ैन बंद कर दीजिए, लाइट की ज़रूरत नहीं है तो लाइट बंद कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को भी हम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे जो है पिक्चर्स दिए है और बचत मीन्स सेविंग आप कौन कौन सी चीज़ों की कर सकते हो वो आपको दिया है। तो देखिए अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।